अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। क्या बना रही हैं? दाल। मूंगी मसूर की दाल। ये सिर्फ दाल बॉईल हो रही है जी। अब इसमें क्या डालेंगे? नमक। नमक ये लाल मिर्च का पाउडर। ये अब हमने सिंपल दाल बॉईल करना खड़ा दिया, इसमें सिर्फ हमने सब्ज मिर्च, लाल मिर्च और नमक डाले। इसको हम बॉईल कर लेंगे और बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे। ये अब हमने दाल को तड़का लगा रहे हैं। ये घी गर्म हो रहा है, इसमें अब हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। घी गर्म हो जाए हमने इसमें डाली है साबित लाल मिर्च, इसे बहुत मजे का टेस्ट आता है। अब हम इसको भूनते रहेंगे जब तक ये लहसुन हमारा अच्छी तरह भून नहीं जाता, खुशबू छोड़ देगा, तब हम इसमें दाल डालेंगे। ये हमने क्योंकि बॉईल करते वक्त हल्दी नहीं डाली थी, तो इसलिए अब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। इसमें हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बॉयल थी वाले घर पर काली थी वजह था, कलर चेंज थी वजह। अब हम इसमें जो दाल हमारी डाली है वो डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। ये अब हमने इसमें दाल डाल दी, अब हम इसे थोड़ी देर तड़के में पकने देंगे। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया साबुत मिर्च। अब हम इसमें डालें सब धनिया और सब मिर्च कटी हुई और अब हम इसको मिक्स करके ढक्कन देकर चूल्हा बंद कर देंगे और हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम इसके साथ बनाएंगे रोटियां और डिनर करेंगे। ये मैं बना रही हूँ रोटी अम्मी के लिए, और आप लोग बताएं आप लोगों ने आज खाने में क्या बनाया है और आप लोगों की रूटीन क्या है, आप लोग क्या करते हैं रात को। ये हमारी फुलका तैयार हो गया क्योंकि अम्मी ने कहा था कि उन्होंने घी वाली रोटी नहीं खानी, और ये हमने मज़ेदार दाल डिश आउट की है। अब हम इसका डिनर करेंगे। ये हमने डिनर लगा लिया है, अम्मी आ गई हैं टेबल पे। ये हमने बनाई है आज मज़ेदार दाल, साथ में अम्मी के लिए बनाया है फुलके, और ये अचार है लेमन का, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था, बहुत मज़े का है। चलें जी अब हम डिनर करते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी दाल ली है, हाफ रोटी ली और साथ में लिया अचार।